इस वाली वीडियो दे विच आपां क्लास अठवीं चैप्टर चौथा अंकड़िया का प्रबंधन अभ्यास 4.3 दे सवाल डिस्कस करने हैं। तो इस तो पहला दो वीडियोस दे विच आपां 4.1 ते 4.2 जो कर ली सी, जे तुसीं ओह वाली वीडियो नहीं देखी तो पहला प्लेलिस्ट दे विच जाके अपना चौथे चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उहदे विच जाके तुसीं ओह वालियां दो वीडियोस दा जिहड़ियां जरूर देखो। हुण नैक्सट आपां देखना हैगा कि अभ्यास 4.3, तो ये मेन जो अपने को कंसैप्ट जिदे आप सवाल करने हैं, जिमें 4.1 के आप सीख्या सी एक बराबरता वंड सारनी बना कि किमें एक आप बराबरता वंड सारनी अंकड़िया टेबल बना मिलान चिन्ह लिख के उन्हों की संख्या लिख के। 4.2 के आप सीख्या कि किमें आप आयत चित्र ग्राफ के बना, ठीक है, जो अंकड़े जां आपनूं टेबल दिता होया करूगा उहदा आपां की बनाया सी, आयत चित्र बनाया सी जां आयत ग्राफ बनाया सी। तो इहदे विच की करना हैगा 4.3 दे विच, इहदे विच आपां बनाउणा हैगा पाई चार्ट। तुसीं इहदा नाम छोटियां क्लासां दे विच वी सुणिया होणा पाई चार्ट, जां इसनूं बोलिया जांदा है चक्कर ग्राफ, चक्कर ग्राफ। तो पहला तो आपको यह पता होना चाहिए पाई चार्ट का चक्कर ग्राफ होंदा की आ। तो देखो एक अपने को होगा जिहड़ा चक्कर ग्राफ आ जां पाई चार्ट आ, ये की करूगा अपने को जो अंकड़े दिते हुए आ अंकड़िया, पाई चार्ट की होंदा अंकड़िया दे दिते कुल अते उस दे भागां, उस दे भागां जां आपां कह लईए जिन्ने उहदे हिस्से हुंदे आ, भागां दी थां ते हिस्से वी लिख सकदे हो तुसीं, हिस्से जां भागां दे संबंध नूं दर्शाउंदा है, संबंध नूं दर्शाउंदा है, दर्शाउंदा है। तां उस नूं आपां की बोलदे आ, उस नूं बोलिया जांदा पाई चार्ट जां चक्कर ग्राफ। कि इक आपणे कोले चक्कर होऊगा वो की करूगा अंकड़िया दे जिहड़ा अपने कोल कुल अंकड़े दिते हुए भी उन्हां दा जोड़ ते जिहड़ा हिस्से दा आपां पता करना सीगा उहदे संबंध नूं की आ दर्शाउंदा है। तो इहदे लई आपां इंपोर्टेंट जी गल एक नोट कर लईए कि आपां नूं पता होना चाहिए कि चक्कर दा जिहड़ा कुल कोण आ, जिहड़ा चक्कर अपने कोल कोई भी हुंदा उहदा जिहड़ा कुल कोण हुंदा वह किन्ना हुंदा 360 डिग्री। तो इह तुहानूं पता होना चाहिए कि चक्कर दा कुल कोण किन्ना हुंदा है 360 डिग्री हुंदा है। इस तो नैक्सट आपां तीन फॉर्मूले करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ ये, एक एक नंबर दे विच भी आ सकते आपां नूं ते क्वेश्चनां दे विच दा आपां इन्हां नूं करने करना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ। तो फस्ट फॉर्मूला अपने कोले कहदा हैगा हिस्से दा केंद्री कोण, कोई भी आपां नूं एक हिस्सा दिता वा उहदा आपां केंद्री कोण कढ़ना है, ठीक है। तो वह किमें कढ़ांगे उहदा फॉर्मूला अपने कोले, फॉर्मूला की आ कि आपां हिस्से दा मुल लिख लेना वी हिस्से दा आपां नूं मुल किन्ना दिता होया, वटे दे विच की लिख देना आपां कुल हिस्से जिन्ने हैगे आ उहनां दे मुल्लां दा जोड़, कुल हिस्सिआं दा जोड़, कुल हिस्सिआं दे मुल्लां दा जोड़, मुल्लां दा जोड़ ये थल्ले लिख लेना। गुणा कि करनी है, गुणा हमेशा करी दी है 360 डिग्री नाल। तो ये नाल अपने को एक हिस्सा जिहदा आप पता करना उहदा केंद्री कोण आजूगा। नैक्सट दूजा फॉर्मूला, दूजा फॉर्मूला हैगा एक हिस्से का मुल, हुण वो कह दें भी एक हिस्से का मुल दसो भी किन्ना होगा। तो ये कढ़ने लई अपने को फॉर्मूला की आ कि आह वाली चीज़ आप कढ़नी आ केंद्री कोण दिता होगा तो की करांगे आप जिन्ना आह चीज़ आ सारी लियावांगे इधर, तो ये तो एक नवा फॉर्मूला की बनूगा केंद्री कोण वटे दे विच की आऊगा 360 डिग्री, गुणा की दे नाल करना हैगा सारे जिन्ने भी हिस्से होए सारे हिस्सों के मुल्लां दे जोड़ नाल, मुल्लां दे जोड़ नाल इहदे नाल आपां गुणा करना है। तो इत्थों आपां नूं की आजूगा एक हिस्से का जी आपां मुल पता करना होया। क्वेश्चन नंबर तीन ज फॉर्मूला अपना तीजा जिहड़ा वह बनता हैगा कि एक हिस्से का प्रतिशत मुल किवें कढ़ांगे, एक कोई आपां नूं हिस्सा दिता उहदा आपां की करना हैगा प्रतिशत मुल कढ़ना भी किन्ना होगा। तो इहदे लई आपां नूं की करना पैणा इस जिहड़ा हिस्सा दिता वा उहदा आपां केंद्री कोण लिख लेना उपर,
केंद्रीय कोण। थले हमेशा गुणा करी दी है 360 डिग्री नाल, गुणा किदे नाल कर देना 100 नाल, तां आपणे कोले की आजूगा उस हिस्से का प्रतिशत मुल आजूगा भी वह किन्ने प्रतिशत है। तो आह वाले आपां तीन फॉर्मूले तुसीं इन्हां नूं याद रखना। चौथा अपने कोले यह है कि चक्कर दा जिहड़ा कुल कोण किन्ने डिग्री का हुंदा 360 डिग्री का। इन्हां तिना फॉर्मूलिया नाल ही आपां सारे सवाल आ जिहड़े हल हो करने आ। हुण आपां देखदे हां क्वेश्चन नंबर एक। अगे क्वेश्चन नंबर एक दे विच अपने कोले 4.3 दे विच की दिता होया कि हेठ दित्तियां लई एक पाई चार्ट बनाओ। तो एक तो पांच तक जिन्ने अपने कोले पांच सवाल आ, पांचां लई आपां की बनाउणा हैगा एक पाई चार्ट बनाउणा हैगा। तो ये अपने कोले डाटा दिता होया कि किसी होस्टल विच वख-वख बोलियां जाण वालियां भाषावां जां बोलियां किन्ने विद्यार्थी किहड़ी बोली बोलदे आ। तो इस तरह तां भाषा लिखिया वा, थले वाले खाने दे विच विद्यार्थियों की गिनती लिखिया वा भी हिंदी 10 विद्यार्थी बोलते हैं, पंजाबी 30 आ, इंग्लिश ज अंग्रेजी 12 विद्यार्थी बोलते हैं, इस तरह। तो पहला तो आप इनू लिख लें कि अपने को जो हिंदी आ वो किन्ने विद्यार्थी बोलते हैं 10, पंजाबी बोलण वाले विद्यार्थियों की गिनती अपने को कितनी आ 30, जो अंग्रेजी है वो बोलण वाले विद्यार्थी अपने को 12, मराठी बोलण वाले विद्यार्थी अपने को 9, तो तमिल वाले है अपने को 7, बंगाली वाले अपने को 4, तो कुल जोड़ जो है इन्हों का वह कहदे बराबर आ, कुल विद्यार्थी किन्ने ने 72 विद्यार्थी ने। तो ये आप करना है वो कहते एक तुसी पाई चार्ट बना है। तो पाई चार्ट बनाने वास्ते बेसिकली आप करना है, एक पहला सर्कल ड्रॉ करना आप, ठीक है। तो सर्कल एक ड्रॉ कर लेने पहला, फिर वो आप जिस तरह कोण लाने हो किस तरह वो आप देख लाँगे भी किमें करना। पहला जो भी पाई चार्ट वाला क्वेश्चन हो, सब तो पहला काम अपना होया करूँगा सर्कल ड्रॉ कर। तो आप प्रकार की जो सहायता दे नाल एक सर्कल ड्रॉ कर लेने इतने, ठीक है। मान लो आप इन्ना के सर्कल ही ड्रॉ कर लिया, क्योंकि जे आप छोटा सर्कल रखांगे तो वो जो आप कोण बनाने वो बिल्कुल सही जड़े नहीं आने, ता करके इन्ना क वड्डा आपणू जिहड़ा सर्कल अपना जां चक्कर आ रखना पैना। तो हुण इहदे विच आप करना है एक लाइन लगाउणी आ, लाइन आप सीधी लगाउणी आ स्केल दे नाल, ठीक है। तो एक सर्कल ड्रॉ करके जिथे अपना केंद्र बिंदु होया, जिथे आप प्रकार रखते हैं इसनों की बोलिया जाता केंद्र बिंदु, जिथे प्रकार रखी होंगी है। तो इतने इन पेंसिल नाल गूढ़ा करके इतों एक जमा सीधी आप लाइन ला देनी है, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। तो ये अपना एक काम इतों तक हो जाता। हुण नैक्सट आप काम की करना है कि जिहड़े अपने कोल भाषावां दित्तियां हुईयां इन्हों आप इस सर्कल दे विच चक्कर दे विच दर्शाउणा, इसे नूं बोलिया जांदा पाई चार्ट। तो अपने कोल हिंदी वाले हैगे 10 विद्यार्थी, तो आप इत्थे हुण 10 डिग्री दा कोण बना नहीं सकते। तो कोण किवें बनाउणा हैगा, आपणू कोण बनाउण वास्ते की चाहीदी है डिग्री। यह चीज़ तुसीं ध्यान रखना कि आपणू कोण बनाउण वास्ते की चाहीदी हैगी है डिग्री, कि कोण हमेशा अपने कोल कादे विच हुंदा डिग्री दे विच। जिवें अपने कोल कोई 60 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, फिर ही आप बना सकते हैं। हुण गिणती दे विच आप बना नहीं सकते, तो आपणू इत्थे की दित्ती हुई है गिणती, भाषावां दी गिणती दित्ती हुई है, आ भाषा दित्ती हुई है। तो आप हरेक भाषा का जिवें हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, इन्हां हरेक वख-वख भाषावां दे लई एक वखरा कोण आप लभ लांगे, जिहदे तो आप उहनूं इत्थे ड्रॉ कर दांगे, तो अपना जिहड़ा पाई चार्ट आ उह बण जूगा। तो बनाने वास्ते आपको की करना पैना, केंद्रीय कोण कढ़ना पैना। तो केंद्रीय कोण कढ़न वास्ते आपको फॉर्मूला सी कि किसी भी हिस्से का जो केंद्रीय कोण कढ़ना तो वह हिस्से का मुल तां लिख लो, थले कुल हिस्सों के मुल का जोड़ लिख लो, गुणा कर दो 360 डिग्री नाल। जिवें मन के चलो आप कोण कढ़ना हैगा हिंदी भाषा का, तो हिंदी भाषा का केंद्रीय कोण कहदे बराबर आऊगा हिस्से का मुल। तो हिंदी दे हिस्से किन्ना मुल आया अपने कोले, किन्ने गिनती आ 10, वटे दे विच आपां लिखना हैगा कुल हिस्सों के मुल का जोड़। तो कुल हिस्से जिन्ने सी अपने कोल इन्हां दा मुल का जोड़ किन्ना हैगा 72, गुणा हमेशा करनी हैगी आपां 360 डिग्री नाल। तो गुणा कर दिंदे 360 डिग्री नाल।
ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ 72 ਅਤੇ 360 ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾ 72 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 360 ਅਤੇ 72 ਆ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦੋਨੋਂ 72 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਹੋਰ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ? 72 × 72, 72 × 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 360। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 72 × 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 360। ਬਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 × 5। ਤੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 50 ਡਿਗਰੀ। ਤੋ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 50 ਡਿਗਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? 30 ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 × ਹਮੇਸ਼ਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ। ਤੋ 72 × 72, 72 × 5 = 360। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 30 × 5। ਤੋ 30 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ 5 ਨਾਲ, ਤਾਂ 0 × 5 = 15। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 150 ਡਿਗਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ 12 ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗਾ 72 × 360 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ 72 × 72, 72 × 5 = 360। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਕੱਲਾ 12 × 5, ਤੋਂ 12 × 5 = 60 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗਾ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੋ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 × ਹਮੇਸ਼ਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ। ਤੋ 72 × 72, 72 × 5 = 360। ਤੋ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? 9 × 5, ਤੋ 9 × 5 = 45 ਡਿਗਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੂਗਾ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 × 360 ডিগ্রি। ਤੋ 72 × 72, 72 × 5 = 360। ਤੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 7 × 5, 7 × 5 = 35 ডিগ্রি। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 × 360 ডিগ্রি। ਤੋ ਇਹ ਵੀ 72 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 4 × 5, ਤੋਂ 4 × 5 = 20 ডিগ্রি। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਸੀ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ 50 ডিগ্রি। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 50 ডিগ্রি ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਦਾ ਆਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਣ ਨਾ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ 0, 10, 20, 30, 40 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 180, 170, 140 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਤੋ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੋ ਆਪਾਂ 0 ਸਟਾਰਟ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, 0 ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ? 50 ਤੱਕ। ਤੋ 0, 10, 20, 30, 40 ਅਤੇ 50। ਤੋ ਆ 50 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗਾ 50 ডিগ্রি ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 50 ডিগ্রি, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ 150 ডিগ্রি ਦਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ, ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 150 ডিগ্রি ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂਗਾ 150 ডিগ্রি ਦਾ ਕੋਣ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੋਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਣ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਹ? 150 ডিগ্রি ਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਣ।
नैक्सट अपने को आ जाता अंग्रेजी भाषा लिए आप 60 डिग्री का कोण बना तो अपनी डी आप बिल्कुल उस तरह विचाले रखना इतने तो जी आप नवी लाइन हम लाई आ जीरो उपर ले आना ठीक है इतों बना 60 डिग्री तो 60 डिग्री अपना इतने बनता पाया ये सामने बिल्कुल तो इतों इन दोनों रेखावान मिला देंगे आप कौन अपने को आ गया 60 डिग्री ये कि भाषा से अंग्रेजी भाषा का कौन से नैक्सट हम आप बना है 45 डिग्री का कौन तो उस तरह बिल्कुल इतने रख लेना डी न बिल्कुल जमा विचकार इतने जमा केंद्र बिंदु के उपर तो जी नवी लाइन है ये उपर ले आना आप जीरो तो 45 डिग्री अपने को कितने बनूगा 40 और 50 के विचाले करके की बनूगा 45 डिग्री तो इनू आप बिल्कुल सामने केंद्र बिंदु के नाल मिला देंगे तो आ कौन लिख देंगे आप किन्ने डिग्री का बनया 45 डिग्री का जिहड़ा कि आप बना मराठी भाषा लिए तो क्लीयर आ नैक्सट आ गया तमिल भाषा लिए 35 डिग्री का कौन तो बिल्कुल उस तरह आप जो अपनी डी है उन्होंने रखना इत तो बिल्कुल विचकार करके तो इतों आप जमा जीरो के सामने जी नवी लाइन लाई सी तो इतों आप बना 35 डिग्री का तो यह 30 और 40 के विचकार बनूगा 35 डिग्री इत तो इनू आप मिला देना हुण इतों अपना सवाल ये बिल्कुल सही है या नहीं है ये भी चैक हो जूगा वो चैक आप किवें करना है कि जिहड़ा अपने को लास्ट वाला खाना बच गया ये जिन्ना अपन कोण चाहिए सी जे तो उन्ने डिग्री का कोण इतने 20 डिग्री का अपन कोण चाहिए सी अखीर ते जे तो यह 20 डिग्री का कोण आ गया तो आप समझ लाँगे कि अपना जो ये बनया वा पाई चार्ट बिल्कुल सही आ अगर अपने को 20 डिग्री तो वध होया जां घट होया तो समझ लाँगे कि अपना यह सवाल जिहड़ा पाई चार्ट गलत बनया होया तो उहदे लई आपां की करांगे इत्थे बिल्कुल रख लाँगे जिहड़ी आपां नवी लाइन लाई सी इहदे उपर आ वाला तो जीरो अपने को इस बार कित्थों शुरू होगी बाहर तो क्योंकि इधरों आपां मिलना कौन तो जीरो इत्थों मिलांगे 10 ते 20 तो बिल्कुल लगभग अपने को 20 डिग्री ये बच जाता तो ये अपने को किहड़ी भाषा वाला सी बंगाली भाषा वाला तो यही आप जिहड़ा पाई चार्ट बनाउणा सी तो लास्ट वाला जिहड़ा कौन होया करूगा वो अपने आप ही जिन्ना आप बनाउणा होया करूगा अपने आप ही वह बच जाया करना यह चीज़ का तुसीं ध्यान रखना फिर अपना सवाल है जिहड़ा बिल्कुल सही आ तो होप आ तुहानूं इह सवाल है जिहड़ा क्लीयर हो गया होना हुण देखदे हां क्वेश्चन नंबर 2 नैक्सट क्वेश्चन नंबर 2 दे विच अपने कोल वख-वख विभागां विच दाखल विद्यार्थियों की गिनती दित्ती हुई है कि विज्ञान भाग के 1000 विद्यार्थी आर्ट्स के 1200 इस तरह करके तो इस दे लई आपां इक पाई चार्ट बनाउणा तो इहदे लई पाई चार्ट लास्ट वाला आपां बनावांगे कल्ला चक्कर बना के ते कौन क्योंकि ये बाद जोड़े तीजा चौथा तो पांचवा रह जूगा वो कल आप डिग्री कट के दे दिया करा जोड़ा तुम चक्कर ग्राफ होया करूगा वो खुद बना होया करूगा तो पहला लिख लें आप विभाग तो किन्ने अपने को विद्यार्थी है उन्होंने गिनती तो सब तो पहला अपने को है विज्ञान विभाग तो ये किन्ने विद्यार्थी ने अपने को 1000 विद्यार्थी इस तरह नंबर 2 ते आ गया आर्ट्स एरे विच अपने कोल ने 1200 विद्यार्थी कमर्स दे विच अपने कोल 650 विद्यार्थी है कानून दे विच अपने कोल विद्यार्थियों की जो गिनती है वह है 450 ते सिक्ख्या दे विच जो अपने कोल विद्यार्थियों की गिनती है वह हैगी है 300 इस तरह कुल जो अपने कोल जोड़ बनता पाया वो किन्ना बनता पाया 3600 ठीक है तो ये अपने को इन्नी इनफॉर्मेशन दिती भी आ तो ये तो आप पाई चार्ट जिहड़ा बनाउणा तो पाई चार्ट बनाउण लई सब तो पहला तो आपनू कोण ही पता होने चाहिए तो कोण पता कर लैने इत्थे आपां केंद्री कोण वी किन्ने किन्ने होणगे हरेक विषय दे तो विज्ञान का पहला आपां केंद्री कोण कढ़ना हैगा तो इहदे लई की करना पैणा आपनू उही फार्मूला लाउणा पैणा कि विज्ञान किन्ने विद्यार्थियों ने दाखला लिया इस विच 1000 वट ये कुल किन्ने विद्यार्थी ने तो कुल ने 3600 तो इनू आप गुणा कि किया हमेशा करा 360 डिग्री नाल तो ता करके तुहानू जिहड़ा फॉर्मूला अपना फॉर्मूला नंबर 1 पाई चार्ट लई हमेशा ये तुहानू आना चाहिए ठीक है तो हुण आपां इनू सॉल्व कर लैने तो 2 0 थले आ 2 उपर आ दोनों कट दियां हुण एक चीज़ नोट करो अपने कोल इत्थे 10 रह गया इत्थे 36 आ इत्थे हैगा 360
तो 36 एकम 36 छत्ती दाया किन्ने हो गए 360। तो की रह गया कला अपने को 10 गुणा 10, तो यह कि बन गया 10 गुणा 10 100 डिग्री। तो विज्ञान का कोण कि आ गया 100 डिग्री। इस तरह आर्ट्स का कोण देख लें, तो आर्ट्स वास्ते अपने को विद्यार्थी है 1200 वटे 3600 गुणा कि करनी है 360 डिग्री नाल। तो 2 0 2 0 कट करती, तो 36 एकम 36 दाया किन्ने हो गए अपने को 360। तो कला की रह गया 12 गुणा 10, तो 12 नू 10 नाल गुणा करांगे 120 आ जूगा 120 डिग्री। नैक्सट आ गया अपने को कमर्स, तो कमर्स वाले अपने को विद्यार्थी 650 ने वटे 3600 गुणा 360 डिग्री। तो 1 0 नाल उपरली 0 कट्टी गई, तो आह वाली 0 नाल आह वाली कट्टी गई, ठीक है। तो आह की रह गया अपने को 36 एकम 36 36 एकम 36, तो कला की रह गया 65 गुणा 1, तो 65 एकम किन्ने होंगे 65 डिग्री। नैक्सट आजूगा अपने को कानून, तो कानून अपने को किन्ने विद्यार्थियों को 450 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी ने 3600 गुणा करनी है 360 डिग्री नाल। तो यदि 1 0 नाल उपर 0, यदि 0 नाल आ 0, तो 36 एकम 36 36 एकम 36, कला की रह गया अपने को 45 गुणा 1, तो यह की आ गया 45 डिग्री। नैक्सट आ गया अपने को सिक्ख्या, मतलब एजुकेशन दे अपने को किन्ने विद्यार्थी ने 300 वटे 3600 गुणा 360 डिग्री। तो 2 0 नाल 2 0 कट करती, तो आह बन गया 36 एकम 36 36 दाया 360। तो किन की रह गया अपने को 3 गुणा 10, तो 10 30 30 डिग्री जो अपने को आ गया सिक्ख्या का कोण आ गया। तो हुण ये जिन्ने अपने कोण आए आ इन्हां नूं आपां की करना हैगा, पाई चार्ट दे उपर उस तरह डी दी मदद दे नाल बनाउणा हैगा। तो वह बनाउण वास्ते सब तो पहला आपां एक सर्कल जो चक्कर आ ड्रॉ कर लैने आ। तो ये तुसी चंगी तरह समझ लैना कि आपां कोण किस तरह लिखने आ जां किस तरह कोण बनाउणे आ, क्योंकि इस तों बाद जिन्ने भी अपने को 3 4 5 सवाल रह गए उन्हां दे विच कल्ले आपां डिग्री ही कढ़ने आ। जिहड़ा इहदा तुसी चक्कर ग्राफ जां पाई चार्ट आ कोण बनाउणे आ वह खुद बनाने होया करनगे, ठीक है। तो इस सवाल नू चंगी तरह समझ लेना। सब तो पहला क्या सी, आपां एक सीधी लाइन ला देनी है केंद्र बिंदु तो। हुण आपां डी दी सहायता दे नाल बस कोण बनाउणे आ। तो जिन्ने जिन्ने दे अपने कोले कोण आ बिल्कुल उस तरह ही आपां बनाउणे आ। तो सब तो पहला अपने कोले कोण जो हैगा वह हैगा 100 डिग्री का। तो डी दी मदद दे नाल पहला आपां कोण बनाउणा हैगा 100 डिग्री का। तो कोण बनाने वास्ते आपां डी नूं बिल्कुल जिहड़ा इत्थे विचाले वाला इहनूं आ लाइन दे उपर रख लेना जिथों 0 स्टार्ट आ। तो 100 डिग्री का बनाउणा 0 स्टार्ट इधरली साइड आ, तो 10 20 30 40 50 इत्थे जाके अपना बन जूगा 100 डिग्री। तो जिथे जाके बनिया उहनूं केंद्र बिंदू नाल मिला देना, तो उहनूं आपां लिख देंगे कि ये अपने कोल कोण हैगा 100 डिग्री का, तो नाल लिख देंगे विभाग विज्ञान, ठीक है। तो इस तो बाद आपां कोण बनाउणा हैगा 120 डिग्री का। तो हुण आपां जिहड़ी डी रखनी आ बिल्कुल विचकार इत्थे केंद्र बिंदु ते, पर जिहड़ी आपां नवीं लाइन लाई आ 0 डिग्री उहदे उपर लै आउणा। हुण आपां तां इत्थों बनाउणा 120 डिग्री का, तो 120 डिग्री अपने कोल इत्थे बनदा पिया। तो इहदे सामने निशानी लगा के ते इहनूं आपां केंद्र बिंदु दे नाल मिला देना, ये अपने कोल कोण बन गया हैगा 120 डिग्री का। ये केड़ा अपने कोले आर्ट्स विभाग का कोण। नैक्सट अपन चाहिए कमर्स विभाग का 65 डिग्री का कोण। तो जिहड़ी आपां नवीं लाइन बनाई है हुण डी का आपां 0 डिग्री इत्थे ले आउणा इत्थे, ठीक है। तो 65 डिग्री का कोण बनाउणा हैगा, तां इत्थे आपां देख लांगे 60 ते 70 दे विचाले इत्थे जाके की बनदा पिया 65। तो इहनूं आपां मिला दिंदे आ, हुण ये अपने कोले केड़ा कोण बन गया इत्थे 65 डिग्री का, ठीक है। तो ये केड़ा विभाग सी, कमर्स विभाग का कोण। नैक्सट आपां बनाउणा हैगा कानून विभाग का 45 डिग्री का। तो जिहड़ी अपनी डी आ इहनूं बिल्कुल विचकार उत्थे रख के पर नवीं लाइन ते अपनी 0 आह वाली, जो डी दे उपर ना दो लाइनां होंदियां, एक तां आह वाली आ, ये नहीं आपां इहदे उपर रखणा, इहदे सामने जिहड़ी लाइन विच लगी हुई आ। तो ये ना तुसीं गलती करियो वी डी नूं इत्थे रख लियो, फिर तुहाडे कोण आ जिहड़े गलत हो जाणगे।
ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਣ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਤੋਂ 40 ਅਤੇ 50 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ 45 ਡਿਗਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ 45 ਡਿਗਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ੀਰੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੋ ਜ਼ੀਰੋ 10 20 30 ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਗਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 30 ਡਿਗਰੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ 30 ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਕੋਣ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋ ਭੋਜਨ ਉੱਪਰ 4, ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ 2000, ਕਿਰਾਇਆ 15, ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ 1500, ਬਾਕੀ ਜੋ 1000 ਆ। ਤੋ ਇਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਣ ਮਿਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੋਣ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ। ਭੋਜਨ ਉੱਪਰ 4000 ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੋ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2000, ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 1500, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1500 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ 1000। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਿੰਨਾ ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ। ਤੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, 4000 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਵਾਂਗੇ 6, 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1500 ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ 0 ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 0 ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 0। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ 5 ਅਤੇ 5 10, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 0 1 ਗਿਆ ਹੰਸਲ। ਤੋ 5 5 ਅਤੇ 2 7 ਅਤੇ 1 8 9 ਅਤੇ 1 10, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ 10000। ਤੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਭੋਜਨ ਦਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖਰਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ 4000, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10000, ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹ, ਥੱਲੇ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਗੁਣਾ 360 ਡਿਗਰੀ। ਤੋ ਉੱਪਰ ਵੀ 3 0, ਥੱਲੇ ਵੀ 3 0, ਮੈਂ ਕੱਟ ਹੋਊਗਾ ਆਹ 0 ਨਾਲ ਆਹ 0 ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 4 × 36। ਤੋ 36 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 4 ਨਾਲ, 6 × 24, 2 ਗਏ ਹੰਸਲ, 4 × 3 = 12 ਅਤੇ 2 = 14, ਤੋਂ ਆਜੂਗਾ 144 ਡਿਗਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਆਜੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੈਗਾ 2000, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10000, ਗੁਣਾ 360 ਡਿਗਰੀ। ਤੋ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ 3 0 ਉੱਪਰਲੇ 3 0 ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋਊਗਾ, 1 0 360 ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੋ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 36 × 2, ਤਾਂ 36 × 2 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 72, ਤੋਂ 72 ਡਿਗਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 1500, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10000, ਗੁਣਾ 360 ਡਿਗਰੀ। ਤੋ ਇਹਦੀ 2 0 ਨਾਲ ਆ, 2 0 ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ, 1 0 ਨਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ 10, ਦੋਨੋਂ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, 5 3 15, 5 2 10, ਹੁਣ ਉੱਪਰ 3 ਆ, ਥੱਲੇ 2 ਆ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ 36 ਆ, ਤੋ 36 ਅਤੇ 2 ਦੋਨੋਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟੇ ਗਏ, 2 1 2, 18 2 36, ਤੋ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 3 × 18, ਤੋ 18 1 18, 18 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 54, ਤੋ 54 ਡਿਗਰੀ ਆਜੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, 1500 ਹੀ ਸੀ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 1500, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ 10000, ਗੁਣਾ 360 ਡਿਗਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕੱਟਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ 54 ਡਿਗਰੀ।
इस तरह अपने को बाकी जो बचिया सी, बाकी अपने को बचिया सी हज़ार, तो हज़ार उपर थले लिख देंगे 10,000 गुणा 360 डिग्री, तो 3 0 नाल 3 0 कट होगा, 1 0 नाल आ 0 कला की बच गया 36 गुणा 1, तो 36 एकम 36 यदा डिग्री कि आजूगा 36 डिग्री। तो यह डिग्रियां तुसी की करना है 144 72 54 54 ते 36 इन्हां नूं चक्कर बना के उहदे उपर डी दी सहायता दे नाल कोणां नूं बनाउणा, ते अपना वह की बन जूगा पाईचार्ट जिहड़ा कि आपां नूं बनाउण लई कहा गया सी। नैक्सट आना चौथा सवाल, चौथे सवाल दे विच अपने कोले कोई एक बेकरी विच वख वख वस्तां दे विक्री लिखी हुई है कि कहड़ी वस्तु है जिहड़ी किन्ने रुपए दे विच उहदी विक्री हुंदी आ, तो ये आप एक पाई चार्ट बना है। तो पहला तो आप लिख लाँगे जो जो अपन वस्तु दिखा होना उन्हों लिख लाँगे, तो फिर आप कढ़ लाँगे केंद्रीय कोण, जिमें आम ब्रैड 260, जो अपने को फ्रूट ब्रैड ये किन्ना है अपने को दिता हुआ 40, केक दिता हुआ अपने को 100, तो इस तो अगे दिता हुआ 60, तो बाकी दिता हुआ अपन 20। तो इन्हें आप कढ़ने पहला तो केंद्रीय कोण कढ़ने, फिर ही आप इन्हों जो पाई चार्ट वो बना सकते हैं। तो उहदे लई आपां नूं की करना पैना, सब तो पहला तो आपां नूं कुल जोड़ करना पैना सारिया रकमां का, तो सब दे लास्ट ते 0 आ, इत्थे भी 0, इस तों बाद दूजा अक्षर 6 ते 4 10, 10 ते 6 16, 16 ते 2 18, एक गया हंसल, तो यह बन जूगा 3, 3 ते 1 4, तो किन्ना बन गया 480। तो टोटल अपने कोले किन्ना बनता पिया 480। इत्थे लिख लैने केंद्रीय कोण, तो हुण सारिआं दे केंद्रीय कोण आ जिहड़े उह कढ लैने आ। तो सब तो पहला अपने को है आम ब्रैड, ये हिस्से मुल कि अपने को 260, उन्होंने उपर लिखना, थले कुल हिस्से का मुल कि 480 गुणा हमेशा करनी है 360 डिग्री नाल, ठीक है। तो हम एक आप ध्यान दे नाल देखिए, जे आप वाली 0 नाल आह वाली 0 कट दिए तो उपर रह गया 36, थले रह गया 48, तो दोनों 12 के पहाड़े उपर कट्टे जाते हैं, 12 ती 36, 12 चौक 48, ठीक है। हुण अपने को 260 ते 4 रह गया थले, तो इन्हों 260 गुणा करनी हैगी 3 नाल, वटे दे विच की है 4, तो 260 गुणा कर दें आप 3 नाल, कि आजूगा 0, 6 ती 18, 1 गया हंसल, 3 दूनी 6 ते 1 7, 780, वटे दे विच कि 4, तो वटे का मतलब हुंदा भाग करनी, तो 780 भाग कर दें 4 नाल, तो 4 एकम पहला 4, 3 बाकी रह गया 8, थले आजूगा इस नाल, तो इस तों बाद 9 चौका 36, 2 बाकी रह गया 0, 4 5 20, तो किन्ना आजूगा अपने को 195। तो पहला अपने को कोण किन्ना आऊगा 195 डिग्री। इस तरह नैक्सट आजूगा फ्रूट ब्रैड का अपने को, ये अपने को 40 उपर थले 480 गुणा 360 डिग्री, तो 0 नाल 0 कट देंगे, तो 12 ती कि आजूगा 36, 12 चौक 48, तो इतने अपने को 40 आ, थले 4 आ, 40 गुणा 3 वटे दे 4, तो ये दोनों एक पहाड़े उपर कट्टे गए, 4 एकम 4, 10 चौका 40, तो कला की रह गया 10 गुणा 3, तो यदि गुणा करके कि आजूगा 30 डिग्री। नैक्सट आजूगा अपने को केक, ये आजूगा 100 वटा 480 गुणा 360, तो 0 नाल 0 कट कर देंगे, उस तरह इन्हों कट कर देंगे, तो की रह जूगा अपने को 100 गुणा 3 वटे दे 4, तो 100 नू 3 नाल गुणा करांगे 300 वटा 4। हुण जे 300 नू आपां 4 नाल भाग करांगे तो पहला जाऊगा यह 7 ते 7 चौका 28, 2 बाकी रह गया 0 कैरी जाऊगा, तो 4 5 20, तो अपने को किन्ने डिग्री का कोण बनूगा 75 डिग्री का। नैक्सट इस तरह 60 अपने को है, तो 60 वटा 480 गुणा 360 डिग्री, तो यदा भी 0 नाल 0 कट कर देंगे, तो इतने आजूगा 12 ती 36, 12 चौक 48, कि रह जूगा 60 गुणा 3 वटे दे 4, 60 जे आप 3 नाल गुणा करांगे तो यह बन जूगा 0, 6 ती 18, 180 वटे दे 4,
तो 180 आप कि भाग करांगे चार नाल, तां पहला जाऊगा चार दे उपर, दो बाकी रह गए जीरो थले, तो चार पांजा वी इत्थे आजूगा अपने कोले 45 डिग्री। इस तरह बाकी दा कोण लास्ट वाला उहदे लई आपां नूं वी उपर लिखना पैना, थले उस तरह 480 × 360 डिग्री, तो जीरो नाल जीरो 12 × 36 आजूगा, 12 × 4 = 48। तो की बच जूगा 20 × 3 थले रह गया 4। तो आपां नूं पता 20 ते 4 दोनों 4 दे पहाड़े उपर कैंसल होंदे आ, 4 × 4 = 4, 4 × 5 = 20, तो कला की रह जूगा 5 × 3 = 15। तो 15 कि कोण आजूगा अपने को बाकी का। तो इस तरह आप सारे कोण जोड़े क्ड ले ने, तो इन्होंने तुम चक्कर बना के वो उपर डी की सहायता के नाल सारे कोणों वक् वक् जिमें आप लाए से उन्होंने वाग ला देना, तो ये अपने को बन जूगा एक पाई चार्ट जोड़ा कि आप बना। अगे क्वेश्चन नंबर 5 दे विच भी बिल्कुल इस तरह नाल एक टेबल बनाया होया अपने कोले, ते उसदे अंकड़े दिते हुए आ। इस दा तुसीं जो केंद्रीय कोण भी खुद लभणे आ ते पाई चार्ट भी जिहड़ा तुसीं खुद बनाउणा हैगा। तो इस वीडियो दे विच आपां इह पहले 5 क्वेश्चन ही पाई चार्ट वाले करने सी ते इंट्रोडक्शन करनी सी। इस तों नैक्सट वाली वीडियो दे विच पार्ट 2 दे विच आपां जो अपने क्वेश्चन रह गए इस अभ्यास 4.3 दे ओह डिस्कस करांगे।